जिंदगी मुफ्त या संवेदनशील। जयशंकर दोस्तों, मैं संपत सारस्वत आप सबके बीच में मेरी पहली पुस्तक को सुनाते हुए बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। ये वो खुशी है, यह वो खजाना है जो मुझे शक्ति, साहस और प्रेरणा देता है। जीवन के अनेक वाक्यों ने मुझे यह साहस और प्रेरणा दी कि मैं ये किताब आपके सामने रख सकूं। इस पुस्तक में पिरोए गए मोती मैंने कहां से और कब कब चुने, इसके बारे में मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। इन मोतियों ने मुझे उस समय चमक दी जब मैं किसी परेशानी या विपरीत परिस्थितियों में घिरा। मुझे याद है एक बार न जाने किस बात को लेकर मेरे एक दोस्त ने एक शेर सुनाया, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन दो लाइनों ने मेरे लिए क्या किया कि मेरे साहस को जैसे बल मिल गया। पढ़ने की मेरी चाह ने मुझे अनेक हिंदी, उर्दू व गुजराती भाषा की किताबें पढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्होंने मेरा एक विशेष नजरिया विकसित होने में मदद की। आज भी जब मैं कभी कभार इन्हें पलटकर देखता हूं तो खुद को अपने लक्ष्य से ज्यादा नजदीक पाता हूं। ऐसे ही एक बार मैंने एक लाइन दीवार पर लिखी पड़ी, चले नजीर इस तरह से कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि यह पंक्ति किसने और क्यों लिखी थी, लेकिन इसे पढ़कर मैंने खुद को सोच में पाया। ये पंक्तियां मार्गदर्शक थी मेरे आगे की जिंदगी के लिए। जो पंक्तियां मैंने यहां वहां पढ़ी या सुनी, उनके लेखकों के नाम मैं नहीं जानता और इसलिए नहीं दे सकता, लेकिन एहसास और आभार जता सकता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि वो किसी के भी हों, मेरे लिए अनमोल है। हो सकता है कुछ पंक्तियां मैं उस रूप में नहीं लिख पाया जिस रूप में मैंने उन्हें लिखा, उनमें शब्द भी बदल गए हों। ऐसे ही न जाने कब कब और कैसे कैसे मैं ये मोती चुनता चला गया, चुनता चला गया, चुनता चला गया। आइए अब सुनते हैं मेरी प्रथम पुस्तक का ऑडियो संस्करण, जिंदगी मुफ्त या संवेदनशील।